मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने पर पथराव और हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन को लेकर राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। शर्मा ने कहा, छतरपुर में कारों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अलग बात है, लेकिन ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने पूछा, विष्णु दत्त शर्मा जी, आप सांसद हैं, आपको किसने ये अधिकार दिया है कि आरोप साबित होने से पहले ही आरोपियों को नेस्ताबूत करने का फरमान जारी करें? उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में कई बार बीजेपी के नेता भी पुलिस और थानों पर पथराव कर चुके हैं, तो क्या उन्हें भी सजा दी जाएगी? बीजेपी विधायक अनिल जैन ने दिग्विजय सिंह के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। जैन ने कहा, दिग्विजय सिंह हमेशा विवादित बयान देते हैं, छात्र आंदोलन और छतरपुर हिंसा को एक ही नजरिए से देखना गलत है। उन्होंने सवाल किया कि दिग्विजय सिंह को पथराव और हिंसा करने वाले अपराधियों को पैरवी करने का अधिकार किसने दिया है?